हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस समय की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। और ये बड़ी खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सुरंगें खोदे जाने का पता चला है। एबीपी न्यूज ने वो खुफिया रिपोर्ट हासिल की है जिसमें इसका जिक्र है। इन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी एलओसी पर सुरंग खोद रहे हैं। ये सुरंगें भारतीय सीमा की तरफ खोदी जा रही हैं और लोहे की पाइपों और फाइबर टीन से ये सुरंग खोदी जा रही हैं ताकि आवाज ही ना हो। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकवादी, ऐसा जांच एजेंसियों की जानकारी में आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो सुरंग खोद रहा है वो किस तरह की है। ये जो सुरंग आप अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान इसी तरह की और सुरंगें एलओसी पर खुदवा रहा है। ये पुरानी तस्वीर है, इसी साल जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ये सुरंग मिली थी। इस सुरंग के जरिए घुसपैठ कराने और हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई। अब पाकिस्तान ने नई सुरंगें खोदने का काम हिजबुल और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को दे दिया है। इस सुरंग को आप ध्यान से देखिए, ये सांबा सेक्टर में पता चली थी किस तरह की सुरंग खोदी जा रही है। यह है सीमा पार से पाकिस्तान की एक नई साजिश जो एलओसी के पास भारतीय सीमा की तरफ सुरंगें खुदवा रहा है। ये सुरंगें लोहे की पाइप और फाइबर टिन से खुदवाई जा रही हैं ताकि आवाज ना आए, किसी को कानों कान खबर ना हो, इसका खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में वो खुफिया डॉक्यूमेंट एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं और इन्हीं दस्तावेजों से ये पता चला है कि पाकिस्तान इस समय क्या नई साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। तो खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज इस समय आपकी टीवी स्क्रीन्स पर और जो सुरंगें जैसी खोदे रहा है पाकिस्तान वो भी आपके सामने। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस पूरी खबर को मैं तफ्तीश से समझना चाहूंगी कि किस तरीके के दस्तावेज भारत सरकार के हाथ लगे हैं और ये कैसे पता लग पाया है कि इतनी बड़ी साजिश को नए तरीके से अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान। देखिए शोभना, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान इस समय बेहद दबाव में है, चाहे वहां की सरकार हो या वहां की मिलिट्री हो या आतंकवादी संगठन हो। और इस दबाव का सबसे बड़ा कारण है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो भारत में कोई भी बड़ी किसी भी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इसी के चलते चूंकि अब वो आमने सामने की घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप देखें पिछले साल और इस साल के आंकड़ों में तो काफी अंतर है घुसपैठ को लेकर। आने वाले दिनों में बर्फबारी होनी है जिसके चलते जो आने वाले रास्ते हैं पहाड़ियों के जरिए वो भी बंद हो जाने हैं। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तान ने अब ये बहुमुखी सुरंग वाली साजिश रची है और इसका साफ तौर पर मकसद है कि भारत में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराना, जिससे वो भारत में विध्वंसकारी जो घटनाएं उनको अंजाम दे सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों और भारतीय जांच एजेंसियों के चलते ये उनकी चाल लगातार नाकाम हो रही है। और ऐसे में जब 29 अगस्त को एक सुरंग पकड़ी गई थी सामा सेक्टर के पास, तो उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो जम्मू था उन्होंने आसपास के तमाम इलाकों की रैकी की और उस रैकी के दौरान देखा गया कि पाक रेंजर्स जो है एक स्पेसिफिक इलाके में वो घूमते हैं, उनके साथ कुछ संदिग्ध आतंकवादी भी होते हैं और वो लोग फिर घूम के चले आते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई में कुछ और लोग आते हैं, फिर चारों ओर निगाह रखते हैं, देखते हैं और चले आते हैं। इस सूचना के आधार पर इंडियन इंटेलिजेंस ने इस इनपुट को डेवलप किया और उसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पाकिस्तान अपने रामगढ़ सेक्टर के पास एक बड़ी सुरंग खोद रहा है। ये सुरंग बहुमुखी हो सकती है और ये सुरंग के जितने बाहर आने के रास्ते हैं वो सभी भारतीय सीमा में खुलेंगे और उनका मकसद साफ है शोभना कि भारत में बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, जो पाकिस्तान की वजह से पिछले एक साल से भारतीय खुफिया एजेंसियों की चौकसी की वजह से अंजाम नहीं दे पा रहा है शोभना। ओम प्रकाश, जो पाकिस्तान सरकार है उनसे अपना देश संभल नहीं रहा है। पहली बार सभी विपक्षी दल और आम जनता जो है वो सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है और उसके बावजूद इतना स्तर गिर गया है पाकिस्तानी सेना का कि आतंकवादियों की मदद से ये सुरंगें खोदने का काम किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार की सेना की क्या रणनीति होने वाली है?
बिल्कुल शोभना, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान की जो सेना है इस समय उसमें ही फूट पड़ चुकी है, क्योंकि पंजाब रेजिमेंट जो पाकिस्तान की है उसको एलओसी पर तैनात नहीं किया जा रहा। और इसका रीजन दिया था कि पंजाब रेजिमेंट के, चूंकि पाकिस्तान के तमाम बड़े हुक्मरान चूंकि पंजाब से आते हैं और अगर वो पंजाबी रेजिमेंट के लोग मरते हैं तो उनके ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है। और ऐसे में चूंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसका पता लग चुका है, लिहाजा जिन जिन जगहों पर इस सुरंग के बाहर निकलने की संभावना हो सकती है भारतीय सीमा क्षेत्रों में, उन तमाम जगहों पर बीएसएफ और जो आर्मी है हमारी उसने लगातार अपनी कवायद शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी डेवलप किया जा रहा है और इन इलाकों में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। शोभना, ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एलओसी पर पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पता चला है। इससे पहले साल 2016 में पहली बार पाकिस्तान की तरफ से सुरंग खोदे जाने का पता चला था। उसके अगले साल यानी 2017 में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई सुरंगें मिली थी। और इसी साल यानी 2020 में जम्मू के सांबा सेक्टर में ऐसी ही एक पाकिस्तानी सुरंग का पता चला है। अब खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान और सुरंगें खुदवा रहा है और वो भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की मदद से। हम आपको ये खबर तो दिखा ही रहे कि किस तरह से पाकिस्तान एक नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ चल रही है। फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ का यह दूसरा चरण है जिसके बाद ये तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बड़ी खबर यह कि फारूक अब्दुल्ला से इस समय ईडी की यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ चल रही है। क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक से ये पूछताछ चल रही है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की खबरें ओम प्रकाश तिवारी कवर करते हैं। ओम प्रकाश, अभी तो हमने पाकिस्तान की सुरंगों की साजिश बताई, अब अगली बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं, ईडी की पूछताछ जारी है। शोभना, मैं आपको बता दूं श्रीनगर में पूछताछ चल रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक चौहान के नेतृत्व में पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात मैं बता दूं कि इस मामले में ईडी इसके पहले जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे फारूक अब्दुल्ला थे, तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान इनसे अहम पूछताछ की थी। और इस पूछताछ के दौरान उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी कुछ अहम जानकारियां दी थी, जिन जानकारियों को लेकर फारूक अब्दुल्ला से इसके पहले चंडीगढ़ में पूछताछ की गई। यह टोटल मामला शोभना 43 करोड़ रुपए के गबन का है, साल 2011-12 का यह मामला है। और इस मामले में सीबीआई फारूक अब्दुल्ला समेत अनेक लोगों के खिलाफ अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर चुकी है। और यह पूछताछ इसलिए अहम है शोभना क्योंकि इस पूछताछ के बाद अब ईडी ये तय करेगा कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में तय किया जाए, दूसरी कार्रवाई की जाए, दूसरी कार्रवाई जिनमें गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती ये भी शामिल होती है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले को लेकर। इसी बीच उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने ट्वीट किया है और उनका यही कहना है कि ईडी के सम्मन पर हमारी पार्टी जल्द ही जवाब देगी, ये राजनीतिक बदले की भावना से ज्यादा कुछ नहीं। ईडी का सम्मन गुपकार घोषणा के ऐलान के बाद आया, फारूक साहब के घर पर कोई रेड नहीं की जा रही है, ये क्लैरिफिकेशन भी सामने आया है।